हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? माय सेल्फ इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप दैट यू आर वेरी मच गुड। भाई आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का पांचवा दिन और आज के दिन मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलने वाले एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके के बारे में। और वो तरीका है दोस्तों पास्ट। पास्ट सबसे पहली बात है कि पास्ट होता क्या है, पास्ट की बातें कैसे करनी होती है और पास्ट का अंग्रेजी बोलने में रोल क्या है, ये सबसे बड़ी और अहम और इम्पोर्टेंट बात है मेरे और आप सभी के लिए। तो इन सारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक जरूर देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो नाउ लेट अस नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर क्लास। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं पास्ट में। पास्ट में सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट का रोल क्या है। भाई कल का जो दिन चला गया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कल, या भैया तीन चार दिन पहले कह सकते हैं आप। जैसे आपने कहा परसों, डे बिफोर यस्टरडे। आपने कहा तरसो, तो थ्री डेज बिफोर यस्टरडे। आप इस अंदाज में इस चीज को बोल सकते हैं। अब भैया दूसरी बात निकल के ये आती है कि पास्ट में आपने किसी भी काम को करा। जैसे आपने कहा जी आज सुबह मैं नहाया था, कल मैंने बिजनेस शुरू करा था, दस दिन पहले मैंने कार खरीदी थी, चार दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिला था, या जी मैंने तो कल बिजनेस शुरू किया था, या मैंने कल अपने दोस्तों से मिला था, वो जो बिल आया था ना वो मैंने कल जमा करा था। तो पास्ट में कोई भी काम आपने करा था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन बातों को आप कैसे बताओगे कि मैंने काम को पास्ट में करा था, मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं दोस्तों से मिला था, मैंने इंग्लिश बोली थी, मैंने क्रिकेट खेला था। तो जब भी कभी आप पास्ट में इस तरह की किसी भी बात को दोस्तों बताना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है और वो तरीका आ जाओ मैं आपको लेके चलता हूं। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, उसमें चाहे आई है, उसमें चाहे यू है, उसमें चाहे ही है, उसमें चाहे शी है, उसमें चाहे दे है, या 10-15 आदमी है, कोई भी इंसान है या कोई भी एक बंदा है, आपको उसके साथ में एक्शन में लगा देनी है सेकंड फॉर्म, बस और कुछ भी नहीं करना। यानी एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यू के साथ भी एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाओ, ही के साथ भी, दे के साथ भी, माई फ्रेंड्स या किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, बस आपको एक्शन में लगा देनी है दोस्तों सेकंड फॉर्म। और कोई दूसरा तीसरा नियम पास्ट में नहीं होता। ये कब की बात है, ये वो वाली बात है जिनमें आप बताना चाहते हैं कि हाँ काम पास्ट में हुआ था, मैंने मोबाइल खरीदा था, आपने मोबाइल खरीदा था, उसने मोबाइल खरीदा था, मेरे दोस्तों ने मोबाइल खरीदा था। इस वाली बातें बताने के लिए एक्शन में बस आप सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। आ जाओ एग्जाम्पल के तौर पर, भाई खरीदना किसी चीज को इंग्लिश में होता है बाय, जिसके सेकंड फॉर्म होती है बॉट। तो आपने कहा जी मैंने कार खरीदी थी, आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदी थी, आई बॉट ए कार, या मैंने कार खरीदी। अच्छा अब बात आती है, आप समय लगा सकते हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, जब आप बताना चाहते हैं कि मैंने कार खरीदी थी, आई बॉट ए कार, इसके आगे आप वो वाला समय भी लगा सकते हो जिस समय पे आपने कार खरीदी थी। जैसे आपने बोला जी मैंने तो कार भैया कल खरीदी थी, तो आई बोट ए कार यस्टरडे, मैंने खरीदी पिछले साल, आई बोट ए कार लास्ट ईयर, मैंने खरीदी भैया 10 बजे, आई बोट ए कार एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। समय के पहले हमेशा आपको एट लगाना है। और अगर आपने किसी काम को किसी दिन पे करा था, भाई मंडे को मैंने मोबाइल खरीदा था, आई बोट ए मोबाइल ऑन मंडे, मंडे मैंने टी शर्ट खरीदी थी, आई बोट ए टी शर्ट ऑन मंडे, तो दिन के पहले हमेशा और हमेशा आपको ऑन लगाना है और समय के पहले 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, इन सब के पहले आपको हमेशा और हमेशा दोस्तों एट लगा के चलना है। तो अब आपने बताया कि मैंने किसी भी काम को पास्ट में करा था, तो आई के साथ में एक्शन में सेकंड फॉर्म, मैंने भाई को डांटा था, आई स्कोल्डेड हिम, या हिम की जगह कुछ भी लगा दो, आई स्कोल्डेड माई ब्रदर, आई स्कोल्डेड माई सिस्टर। आपने कहा जी मैंने तो बिजनेस शुरू किया था, आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई स्टार्टेड माई बिजनेस, पिछले साल किया था, आई स्टार्टेड माई बिजनेस लास्ट ईयर, आई स्टार्टेड माई बिजनेस लास्ट ईयर, इस अंदाज में आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों कोई भी काम आपने पास्ट में किया तो आपको इस बात को बोलने के लिए बस सेकंड फॉर्म लगा देनी है। आ जाओ अब हम बात को थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। किसी के भी बारे में आप कह सकते हैं भाई उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, दे स्टार्टेड द बिजनेस, उन्होंने कार खरीदी थी, दे बॉट द कार, वे तो मार्केट गए थे, दे वेंट टू द मार्केट, वे तो मुझसे मिले थे, तो मिलना मीट होता है, मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है, तो दे मैट मी, दे मैट मी, बड़ा सिंपल सा तरीका इस बात को बोलने का, जरा सा भी तरीका मुश्किल नहीं है। और अगर दोस्तों अब हमें कहना पड़े कि मैंने काम को नहीं करा था, उसने काम को नहीं करा था, उन्होंने काम को नहीं करा था,
जब भी आप इस बात को बताना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सिंपल सा तरीका बनाए, जरा सा भी मुश्किल नहीं है, सभी के साथ पास्ट में बिल्कुल सेम नियम होता है और आपको बोलना होता है आई डिड नॉट, ही डिड नॉट, दे डिड नॉट, यू डिड नॉट, और जहां पे डिड नॉट लगा दोगे वहां आपको एक्शन में लगानी है भैया फर्स्ट फॉर्म। इस बात का आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जहां भी आप डिड नॉट लगाओगे वहां आपको एक्शन में केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। या एग्जाम्पल के तौर पे आई डिड नॉट स्टार्ट बिजनेस, मैंने बिजनेस शुरू नहीं करा था, आई डिड नॉट स्टार्ट बिजनेस। जी हाँ, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया था, दे डिड नॉट बाय कार, उन्होंने कार नहीं खरीदी थी, और भी दो चार एग्जाम्पल मैं आपको वर्बली बता सकता हूं। भाई मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था, आई डिड नॉट स्टार्ट बिजनेस, मेरे दोस्तों ने कार नहीं खरीदी थी, माई फ्रेंड्स डिड नॉट बाय द कार, यार तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी थी, यू डिड नॉट वॉच माई वीडियो, यू डिड नॉट वॉच माई वीडियो। इस टाइप से आप मना कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन बनाना पड़े, क्या तुमने इस वाले काम को करा था, क्या उसने इस वाले काम को करा था, क्या तुमने बिजनेस शुरू करा था, क्या मैंने कल मोबाइल खरीदा था, अच्छा नबी आदमी खरीदा नहीं खरीदा, इतनी मेमोरी कमजोर हो रही है। तो जब भी आप ये वाले क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको डिड के साथ बनाने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डिड का नियम सबके साथ बिल्कुल बराबर होता है, क्या आपने बिजनेस शुरू किया था, जब भी आप डिड से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्या तुमने बिजनेस शुरू किया था, डिड यू स्टार्ट द बिजनेस, हाँ जी मैंने करा था, आई स्टार्टेड बिजनेस, मैंने तो नहीं करा था, आई डिड नॉट स्टार्ट बिजनेस। तुमने कार खरीदी थी, डिड यू बाय द कार, खरीदी थी, आई बॉट द कार, मैंने नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय द कार। क्या उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, डिड दे स्टार्ट द बिजनेस। आ जाओ देखो क्वेश्चन आपको कैसे बनाने हैं, डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, डिड दे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, डिड योर ब्रदर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सबके साथ में बिल्कुल सेम नियम है कि भाई क्या उसने काम को किया था, हाँ जी किया था, उसने इस वाले काम को किया था, उसने नहीं करा था। अब दोस्तों आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस पे बना सकते हैं, चलिए मैं आपको दो चार बना के दिखा दूं। डिड यू वॉच माई वीडियो यस्टरडे, क्या कल आपने मेरी वीडियो देखी थी, हाँ जी मैंने देखी थी, आई वॉच्ड, सेकंड फॉर्म वॉच में सेकंड फॉर्म वॉचेड, आई वॉच्ड योर वीडियो यस्टरडे, मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच योर वीडियो यस्टरडे, क्या उसने मेरी वीडियो देखी थी, डिड ही वॉच माई वीडियो यस्टरडे, उसने देखी थी, ही वॉच्ड माई वीडियो यस्टरडे, उसने वीडियो नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच माई वीडियो यस्टरडे। इस अंदाज में आप डिड की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और डिड का अंग्रेजी बोलने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आज आप नहाए थे, डिड यू टेक बाथ टुडे, डिड यू टेक बाथ टुडे, आज सुबह नहाए थे, डिड यू टेक बाथ टुडे, दिस मॉर्निंग, या सिंपल बोलो डिड यू टेक बाथ दिस मॉर्निंग, नहाया तो था, आई टुक बाथ, यार मैं नहीं नहाया, आई डिड नॉट टेक बाथ। और अब दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं कुछ एक्शंस जिन पे आपको बनाने बहुत सारे सेंटेंसेस, और बस कमेंट बॉक्स में आपको छोड़ देना, मैं अपने आप उनको चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। आइएगा, थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, THREW, थ्रू। आपने क्वेश्चन बनाया, भाई साहब क्या आपने कूड़ा फेंका था, डिड यू थ्रो गार्बेज, हाँ यार फेंका तो था, आई थ्रू गार्बेज, मैंने नहीं फेंका, आई डिड नॉट थ्रो गार्बेज। क्या उसने कूड़ा फेंका था, डिड ही थ्रो गार्बेज, उसने फेंका था, ही थ्रू गार्बेज, उसने कूड़ा नहीं फेंका, ही डिड नॉट थ्रो गार्बेज। इस टाइप से आप बना सकते हैं। दूसरा है स्टील मनी, पैसा चुराना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टोल। अब आपको इन पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने, थ्रो गार्बेज कूड़ा फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्रू, स्टील मनी पैसा चुराना, सेकंड फॉर्म स्टॉल, बिगिन द मैच, मैच को शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, और जी ब्रेक मोबाइल, मोबाइल को तोड़ देना, सेकंड फॉर्म ब्लॉक, ड्राइव द कार, कार चलाना, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है दोस्तों ड्रॉव। अब आपको इन सारे बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाना है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आसानी से छोड़ देना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब इट एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में।